अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्लास 8 के तलबा तालिबात, आज का हमारा टॉपिक है 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। वी विल स्टडी अबाउट द 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म। आज हम कायदे आज़म के जो 14 निकात हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और आज के लिए फर्स्ट 7 जो निकात हैं या पॉइंट्स हैं इनको सिलेक्ट किया गया है। कायदे आज़म ने जब ये 14 निकात पेश किए थे उससे पहले हिंदुओं की जानिब से एक नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसके अंदर मुसलमानों का जो डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्शन था उसको बिल्कुल उन्होंने मुस्तरद कर दिया था। तो उनके जवाब के अंदर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 निकात जो हो पेश किए इन 1929 के अंदर। कायदे आज़म रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द नेहरू रिपोर्ट इन विच द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्शन वर कास्ट वे। द कायदे आज़म प्रेजेंटेड द 14 पॉइंट्स इन 1929। इसमें यह बताया गया है कि नेहरू रिपोर्ट के अंदर जब मुसलमानों का ये मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया जुदागाना इंतखाब का, जिसको पहले वो 1916 के अंदर लखनऊ पैक्ट में तस्लीम कर चुके थे, कायदे आज़म को इस बात का बड़ा दुख हुआ, लिहाजा उन्होंने उसके जवाब में जो है वो ये 14 पॉइंट्स जो थे वो पेश किए जिन्हें आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज कॉन्स्टिट्यूशन विल बी एज फेडरल एंड द प्रोविंसेस विल बी इंडिपेंडेंट। यानी पहला इसमें नुक्ता ये है कि आइन जो होगा मुल्क का वो वफाकी तर्ज का होगा, और इसमें तमाम सूबे जो होंगे वो आज़ाद होंगे, यानी सूबों को मुकम्मल जो है वो आज़ादी होगी कि वो अपने अपने आइन के अंदर रहते हुए अपने तमाम मामलात से उनको निपटा सके। यानी आइन जो हमारा वफाकी तर्ज का होगा और तमाम सूबे जो है उनको दाखिली को मुख्तार, यानी ऑल द प्रोविंसेस आर इक्वल इंटरनल सुप्रीमेसी, यानी तमाम जो दाखिली मुख्तारी उसके अंदर वो बराबर होंगे। नंबर 3, द माइनॉरिटीज विल बी गिवन सूटेबल रिप्रेजेंटेशन इन द प्रोविंशियल एंड सेंट्रल असेंबलीज। मर्दी असेंबली के अंदर और सूबाई असेंबली के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं जो अकलीतें हैं उनको भी एक सूटेबल जो है रिप्रेजेंटेशन जो है वो दी जाएगी, उनकी एक मुनासिब नुमाइंदगी जो इसके अंदर शामिल होगी। नंबर 4 पे है, द मुस्लिम मेंबर आर नॉट लेस देन 1/3 इन नेशनल असेंबली। मुसलमानों की तादाद जो है वो मर्दी असेंबली के अंदर ये 1/3 से कम नहीं होगी, यानी 1/3 जो है वो मुसलमानों की तादाद का मर्दी असेंबली के अंदर होना बड़ा ज़रूरी है। नंबर 5 ये था कि द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्शन should impose on every group. However, if any group want to adopt co-elections, he can do it. इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई मुल्क के अंदर जो मुसलमानों का जुदागाना इंतखाब का सूल था, ये कहा गया कि हर फिरके के लिए ज़रूरी है, अलबत्त अगर कोई चाहे तो वो मखलूत तरीका इंतखाब जो है उसको कबूल कर सकता है। जुदागाना तरीका इंतखाब और मखलूत में ये फ़र्क है कि जुदागाना के अंदर सिर्फ मुसलमान मुसलमान को, ईसाई ईसाई को, सिख सिख को और हिंदू हिंदू को वोट दे सकता है, और मखलूत के अंदर कोई भी शख्स किसी दूसरी जमात के रुकन को वोट दे सकता है। नंबर 6 था कि नो अल्टरनेशन शुड नॉट डन इन द बाउंड्रीज ऑफ द प्रोविंसेस फ्रॉम द मेजोरिटी ऑफ पंजाब बंगाल केपीके एंड केपीआर अफेक्टेड। यानी सूबों की हदूद के अंदर कोई ऐसी तब्दीली नहीं की जाएगी जिससे पंजाब बंगाल और केपीके कि मुस्लिम आबादी जो है वो मुतासर हो, यानी मुसलमानों पर इसका कोई ऐसा असर पड़े तो कोई इनकी हदूद के अंदर इनकी बाउंड्री लाइन के अंदर किसी किस्म की कोई चेंज जो है वो उसको कबूल नहीं किया जाएगा। लास्ट इसमें था कि ऑल द पीपल शुड फ्री इन द इन देयर रिलीजन, तमाम लोग जो होंगे वो अपने मजहब में मुकम्मल तौर पर क्या होंगे, आज़ाद होंगे, यानी तमाम लोगों को यकसा मजहबी आज़ादी जो है वो हासिल होगी। उसी तरह ये कायदे आज़म के जो नेहरू रिपोर्ट के जवाब में पेश किए गए 14 निकात थे उसमें से आज हमने 7 जो उनको स्टडी किया है, और 7 जो इंशाल्लाह ताला कल हम स्टडी करेंगे, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर।